Shoot up guys, Jordan Gamer here. मेरा नाम है माइकल. वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5. तो गाइस पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, फ्रैंकलिन ने दोस्तों हमारे घर पर आके स्कोल्ड किया था माइकल के सारे पेट्स को. और आप लोगों ने दोस्तों उसके पहले एपिसोड में देख ही लिया होगा कि माइकल दोस्तों जो है पुलिस ऑफिसर बन गया है और साथ में उसे मिला एक ट्रेंड जर्मन शेफर्ड डॉग. लेकिन गाइस हमारे साथ आज वर्क पर ये वाला बंदा भी जाने वाला है. लेकिन गाइस ये मुझे बार बार बोल रहा है कि सर मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है तो मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊँगा, पर जहाँ तक हो सके मैं वहाँ तक जाऊँगा. ठीक है, तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है आप लोग को बता दे, तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोग दोस्तों बहुत तगड़ी गैंग को हम लोगों ने लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, मतलब हम लोगों ने दोस्तों वहाँ से उसको बचाया था. और कैसे ना कैसे करके दोस्तों हम लोग ने जो यहाँ पर अभी अपना दबदबा बना लिया है. और ये मैडम जी यहाँ पर FIR लिखवाने बैठी हुई हैं, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है. और ये भी गेंडा यहाँ पर बैठा हुआ है, पता नहीं कौन कौन यहाँ पर आ जाते हैं. फिलहाल जल्दी से दोस्तों गर्मी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी पड़ रही है, तो स्प्रंग का $1 का पी लेते हैं सोडा. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर माइकल ने दोस्तों जो है ड्रिंक ले ली है. अब ड्रिंक लेने के बाद दोस्तों आज सबसे पहले जो हमें काम अलाउड किया गया, यानी कि जो पुलिस लॉस सैंटोस की जो पुलिस स्टेशन के जितने भी रिव्यूज़ मैंने लिए, तो यहाँ पर दोस्तों एक ही बात आई कि बिलास गैंग ने आज से कम एक हफ्ते पहले बहुत तगड़ा क्राइम मचा रखा है अपने एरिया में, ग्रोव स्ट्रीट में, और साथ ही साथ में ग्रीन गैंग फैमिली ने भी यही काम मचा रखा है. तो अभी मैं जल्दी से ये वाली कार को लेके जाने वाला हूँ सीधा बिलास गैंग के एरिया में अपने पुलिस भाई के साथ. लेकिन गाइस वो यहाँ पर मेरे ख्याल से बैठने लायक ही नहीं है, या फिर दोस्तों बैठ नहीं पा रहा है, क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा. पर मैं इसको भी यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि इसको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है. फिलहाल तो बैठ जाए यहाँ पर, देखते कहाँ तक जाता है ये. तो ओके गाइस मैं उस वाले बंदे को छोड़ के आ चुका हूँ और अभी मैं दोस्तों सीधा यहाँ पर आ चुका हूँ ग्रीन गैंग मेंबर्स की फैमिली में. यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक फ़ाइट देखोगे, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट होने वाली है यहाँ पर. और जैसे कि आप लोग खुद ही यहाँ पर चेकआउट कर पा रहे हो, हम लोगों ने फ़ाइट को अपने करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है. तो आप लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पर गाइस हम लोग ग्रीन गैंग मेंबर्स को कैसे मार रहे हैं. फिलहाल दोस्तों माइकल अकेला ही लड़ने आ गया है, इसको बोलते हैं पुलिस का सबसे जाबाज बंदा. ठीक है, और जहाँ पर आप लोग एक बात को और नोटिस कर पा रहे हो, कैसे कैसे बंदे यहाँ पर भाग रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उनको पता चल गया कि हमारा जो माइकल गैंगस्टर था वो अब पुलिस स्टेशन का बहुत बड़ा हेड बन चुका है. और जैसे कि अब आप लोग खुद ही यहाँ पर देखो कि हम लोग यहाँ पर जो है सारे के सारे बंदों को हम लोगों ने यहाँ पर किल कर दिया है, एक बंदा और यहाँ पर बचा हुआ है. तो अभी हम लोग थे दोस्तों ग्रोव ग्रीन गैंग मेंबर्स की फैमिली में और अभी यहाँ से जाने वाले हैं सीधा ग्रोव स्ट्रीट की गैंग मेंबर की फैमिली में. ठीक है गाइस, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर काफ़ी तगड़े देसी डॉग्स आ चुके हैं. जो स्ट्रे डॉग होते हैं गाइस वो ये वाले डॉग्स हैं और मेरे ख्याल से मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर रहे हैं. लगता है दोस्तों इन्हें गन्स वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये बाप रे 6 से 7 डॉग हैं. और एज अ डॉग लवर मैं इन्हें मार नहीं सकता. ठीक है, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ अपनी पुलिस कार पर बैठ कर डायरेक्ट ग्रोव स्ट्रीट पर निकलता हूँ बिलास गैंग को मारने के लिए. ठीक है, तो ये देखो गाइस मैं जो अपनी कार है वो मैं जल्दी से भगा के लेके जाने वाला हूँ सीधा ग्रोव स्ट्रीट एरिया पे. और वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं बिलास गैंग के बंदे और वहीं पर दोस्तों जो है बिलास गैंग के बंदों को हम लोग जो है मज़ा चखाने वाले हैं. आज की डेट पे जितने के जिंदे बंदों को मारूंगा सबको पकड़ के लेके जाऊंगा और लॉकअप में बंद करने वाला हूँ. ठीक है, तो जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पर आता हूँ, आप लोग देख पा रहे हो हमारी कार जो है आ चुकी है पुलिस वाली. और जैसे दोस्तों मैं आपको बैंकर एक और पुलिस वाला बंदा यहाँ पर आ चुका है, कत्ता चोर को पकड़ते दोस्तों यहाँ पर आ गया सारे के सारे बिलास गैंग पे हड़बड़ी मच गई. वैसे दोस्तों मैं चुन चुन के मारने वाला था यहाँ के बंदों को, लेकिन उस वाले पुलिस वाले ऑफिसर ने वो एक नई कार लेके आया और यहाँ पर दोस्तों उसने जो है पूरा का पूरा माहौल जो है बिगाड़ दिया. ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो जितने भी बंदे वहाँ पर भाग रहे हैं सबको दोस्तों हम लोगों ने गाइस यहाँ पर गोली मार दी है. लेकिन आप लोग देख पा रहे हो बिलास गैंग के भी दोस्तों कुछ देसी डॉग्स हैं जिन्हें बोलते हैं दोस्तों हम लोग स्ट्रे डॉग. और स्ट्रे डॉग दोस्तों जो है बीच बीच में यहाँ पर आ जाते हैं. और फिलहाल दोस्तों अब हेलमेट तो खोल लेता बेवकूफ, पता नहीं इसने एम कैसे करा होगा और ये अब कैसे मार रहा है. ठीक है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस मेरे को यहाँ पर करना क्या चाहिए. यहाँ पर जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं वो दोस्तों जो हैं सारे के सारे स्ट्रे डॉग्स जितने भी हैं वो बहुत ही गंदी हालत में है. तो यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर चार चार स्ट्रे डॉग्स हैं
ये देखो दो तो भाई यहीं पर आ गए, ठीक है, दो ये स्ट्रे डॉग्स हैं जो कि काफ़ी तगड़ा मतलब भौंक रहे हैं मेरे ऊपर और मेरे को कार में भी बैठने नहीं दे रहे। इनकी जो अटैकिंग और बाइट फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है भाई। इसने करते करते अपने गैंग वालों को भी बुला लिया है, तो आप लोग पीछे गैंग भी देख सकते हो। तो जैसे ही गाइज मैं यहाँ पर नीचे उतरता हूँ, अपना गेट खोलता हूँ, तब तक गाइज ओ भयंकर हो तेरी, छोड़ दो भाई छोड़ दो। जैसे ही गाइज मैं बैठता हूँ, इन्होंने गाइज मेरे को जो है लपेट लिया है अपने चंगुल में, और फाइनली दोस्तों माइकल को जो है अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है और उसे दोस्तों जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। तो जैसे कि अब आप लोग देख पा रहे हो, मैं हॉस्पिटलाइज से 14 इंजेक्शन मतलब लगवा के बाहर आ गया हूँ, और आते दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर लेस्टर को कॉल किया। तो ओके गाइस, गाइस लेस्टर ने को मैंने कॉल किया था खुद को बचाने के लिए, लेकिन गाइस वो अभी खुद काफ़ी तगड़ी मुश्किल में पड़ चुका है। पता क्यों मुश्किल में पड़ा है? मैडम जी यहाँ पर आप लोग जो है स्मोक कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा बेकार बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग खुद ही देख पा रहे हो गाइस कि मैंने यहाँ पर जो है सबको मार दिया, ठीक है, और अब मैं जाने वाला हूँ सीधा लेस्टर के घर पर। तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर आज एक कार चोरी करेंगे, तो ये रही वो येलो कलर की कार, तो इसको मैंने जो अभी चुरा लिया है। चुराने के बाद दोस्तों मैं जो है सीधा जा रहा हूँ, तो ये वाली कार को दोस्तों मैंने ले लिया है। हाँ, तो यही वाली कार को दोस्तों मैंने जो चुरा लिया है। एज अ पुलिस ऑफिसर मेरे को ऐसा काम करना नहीं चाहिए था, पर दोस्तों अर्जेंट पड़ गया, कुछ भी अब हो सकता है आगे। तो लेस्टर भी अभी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ा हुआ है, तो अभी मेरे को ये वाली कार कैसे ना कैसे करके वहाँ तक लेके जानी है और वहाँ पे उसको बचाना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पुलिस ऑफिसर माइकल बन चुका है, और माइकल दोस्तों जो है वो बेलास गैंग को साफ़ करने के लिए निकला हुआ है, तो जिसके कारण से बेलास गैंग के जो कुछ एरिया हैं वो दोस्तों जो है वो पता लग गया है कि लेस्टर ही जो है इसकी काफ़ी तगड़ी हेल्प करता है हर चीज़ में। तो मैंने दोस्तों इसको जो है मारना शुरू कर दिया। तो ये देखो बेलास गैंग के कुछ मेम्बर्स हैं, वो दोस्तों लेस्टर के घर पर अपना कब्ज़ा जमा के बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे को इन्हीं को मार देना है, ठीक है। तीन बंदे मैंने यहाँ पर मार दिए। अब मारने के बाद दोस्तों मेरे को जो है फिर से ऊपर उठना है और सारे के सारे बंदों को, जितने भी यहाँ पर बंदे देखने को मिल रहे हैं, उन सबको दोस्तों खात्मा जो है उसका सफाया कर देना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो है सबको मार देता हूँ, ठीक है। तो सबको मैंने यहाँ पर मार दिया, अब आप लोग देख ही पा रहे हो। और मारने के बाद दोस्तों जो है लेस्टर से मेरी डील हो चुकी है कि उन डॉग्स को कैसे मदद से खाना है, ठीक है। तो बेलास गैंग के कुछ मेंबर्स हैं, वो दोस्तों जो है मुझसे फ़ाइट भी करना चाहते हैं, और साथ ही साथ में दोस्तों जो है उन्होंने लोकेशन भी सेंड कर दी है। तो लोकेशन जो उन्होंने चूज़ करी है वो मलिबू मेंशन चूज़ करी है। तो अभी मैं दोस्तों मलिबू मेंशन जाऊंगा, और वहीं पर दोस्तों लेस्टर भी आ चुका है, और जो अपना ट्रेन डॉग जर्मन शेफर्ड जो आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा, तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो जो जर्मन शेफर्ड है वहाँ पर दोस्तों जो कि दोस्तों हम लोगों ने परसों हम लोगों को मिला वो हमारा ट्रेन डॉग, उसको भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे। फिलहाल अब आप सोच रहे होगे माइकल मर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गोलियां खा रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, माइकल ऑलवेज आर्मर रहता है, $2200 का उसके पास वो है, क्या बोलते हैं अपना आर्मी का चेस्ट है, तो दोस्तों उससे जो है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी से ये वाली कार पर बैठ जाता हूँ। फाइनली दोस्तों मेरे को कॉल आ चुका है और लेस्टर पहुँच चुका है मलिबू मेंशन पे, ठीक है। तो मैं अब दोस्तों यहाँ पर एक बंदा और बच गया, इसको भी मार देते हैं, इसको भी मैंने यहाँ पर किल कर दिया है। किल करने के बाद डायरेक्ट दोस्तों मैं जो है उस वाली कार पर चले जाता हूँ, ये रही कार, और कार लेके डायरेक्ट आप लोगों को मिलता हूँ मलिबू मेंशन पे। और मलिबू मेंशन के जस्ट नीचे वाला जो बीच है वहीं पर दोस्तों जो है ये फ़ाइट होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग खुद ही देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर ये येलो कार पर बैठ चुका हूँ, जो कि दोस्तों किसी की चुराई हुई कार है, और एज अ पुलिस ऑफिसर मेरे को ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों जैसे ही मेरा काम हो जाता है तो मैं ये वाली कार जो है वो वहाँ पर दे दूँगा, और उससे अच्छा ऐसा होगा कि भाई मतलब आप लोग समझ पा रहे हो ना कि मेरे को करना क्या पड़ेगा, ये वाली कार को उसे लौटा देना पड़ेगा, ठीक है। चलो बातें बहुत हो चुकी हैं, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सीधा मलिबू मेंशन पे। तो ये रहा गाइस मलिबू मेंशन, और मलिबू मेंशन के जस्ट हमको नीचे पहुँच जाना है। तो ये देखो गाइस कैसे हम लोग ऑफ रोड करके इसी कार से नीचे जा रहे हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर कोई बंदे आए ही नहीं हैं। और अभी मुझे यही समझ में नहीं आ रहा गाइस कि हम लोग फाइट किससे करने वाले हैं और क्या होने वाला है इस बीच पर, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बाहर निकलता हूँ तो मुझे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कोई नहीं देखने को मिलता है, तो कुछ अपसेट सा हो जाता हूँ मैं।
फिर यहाँ पर दोस्तों मेरे को लगातार देखने को मिल जाता है डायरेक्ट सीधा लेस्टर और साथ में उसके जर्मन शेफर्ड, ठीक है। और जैसे दोस्तों मैं कोने में देखता हूँ तो पत्थर के पास एक बेलास गैंग का एरिया ताली बजाते हुए खड़ा था, ठीक है। अब स्ट्रे डॉग की फाइट होने वाली है, तो स्ट्रे डॉग भाई स्ट्रे डॉग जैसे ही निकलेंगे, जो देसी डॉग्स होते हैं ना, कहाँ है देसी डॉग, नहीं तो बेटा तेरा जो मैं ना भूत बना दूंगा यहाँ पर। तो आप लोग देख पा रहे हो बगल में कुछ और बेलास गैंग से एरिया वाले हैं, वो भयंकर। तो ये रहेगा स्ट्रे डॉग, ये अलग से भाग के हैं अपनी गैंग बना के, और ये गैंग में ही चलते हैं। आप लोगों ने देसी डॉग्स देखे होंगे, अकेले कभी नहीं जाते, चार पाँच गैंग लेके ही जाते हैं। तो फाइनली अब आप लोग ये भी देख पा रहे हो, यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होगे कि 5 से 6 डॉग्स हैं यहाँ पर, जो कि दोस्तों आप लोग देख पाए, ये वाला एक डॉग जो पीछे रह गया था, अब ये भी गैंग बना के आगे जा रहा है। ये देखो वो आगे चला गया और वो रहा जर्मन शेफर्ड, ठीक है। जर्मन शेफर्ड के साथ साथ दोस्तों लेस्टर भी वहाँ पर खड़ा हुआ है, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी उसने किल कर दिए हैं। तो मुझे यही समझ में नहीं आता गाइस कि ये 4 4 डॉग्स जो हैं वो हमारा अकेला डॉग्स उन्हें जो है आराम से संभाल लेता है। अब आप लोगों को यही बात पता होगा कि जर्मन शेफर्ड कितनी ज़्यादा खतरनाक ब्रीड है तो दोस्तों काफ़ी फ्रेंडली, लेकिन जो ट्रेंड हो जाते हैं ना, जिस पर दोस्तों उसकी बाइट फोर्स रहती है, कहाँ पर उसे काटना है, कैसे उसको विन होना है, विक्ट्री कैसे लेनी है, तो वो मैटर काफ़ी ज़्यादा कर जाता है, और जिसके कारण से दोस्तों हमारा जर्मन शेफर्ड यहाँ पर विनर कहलाता है। तो फाइनली एक और डॉग बचा हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा चढ़ रहा है उसके साथ में, लेकिन उसको भी वो चढ़ने नहीं देगा। तो अब आप लोग देख पा रहे हो जर्मन शेफर्ड के लिए वेट होना चाहिए भाई कुत्तों में, तो वो जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके पास वेट ही नहीं है, ठीक है। और अपने जर्मन शेफर्ड के पास काफ़ी तगड़ा वेट है, डबल कोटेड है और बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सारे के सारे उनको मार दिए हैं, और अब आप लोग ये छोटी सी फाइट देखोगे बेलास गैंग की, जिसमें दोस्तों माइकल मारते हुए दिखेगा, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हो माइकल ने कितना तगड़ा यहाँ पर मारना शुरू कर दिया है, सबको हम लोग यहाँ पर मार देते हैं। और मारने के बाद आप लोग देख ही पा रहे हो कि हमारी जो हेल्प कर रहा है वो भी दोस्तों हमारा जर्मन शेफर्ड कर रहा है, सारे के सारे बंदों को दोस्तों हम लोगों ने धीरे धीरे मारना शुरू कर दिया है, ठीक है। और अक्सर काम जो दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे हो जर्मन शेफर्ड ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा हाथ इसमें थोड़ा सा भी नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुक्के मार रहा हूँ, और बेचारा वो भी पिट रहा है, लेकिन गाइस कैसे ना कैसे करके जिस बंदे को मार रहा है तो नॉकडाउन कर दे रहा है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों डॉग जो है हमको मिला हुआ था पुलिस ऑफिसर को एज अ दोस्तों उसकी प्रोटेक्शन के लिए, लास्ट वाले को भी दोस्तों हमारे जर्मन शेफर्ड ने नहीं छोड़ा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, जिसमें दोस्तों माइकल पुलिस ऑफिसर बेलास गैंग को मारने गया, वहाँ पर उसको मिले कि उसके काफ़ी तगड़े स्ट्रे डॉग्स हैं जिसको दोस्तों वो नहीं मार पाया, तो जर्मन शेफर्ड वर्सेस स्ट्रे डॉग्स हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय, सब्सक्राइब।